نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हाँ जी, हमने तआवुज़ और तस्मिया पढ़ लिया था और उनका इफेक्ट देख लिया था कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा होता है और हमारी रीडिंग के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है. इसके बाद जो लेटर हम पढ़ने जा रहे हैं या वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि सूरत अल फातिहा की अगली ही आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. दैट वुड बी फर्स्ट आया अगर हम बिस्मिल्लाह को काउंट ना करें, एंड इफ वी काउंट इट देन दिस विल बी द सेकंड आया. लेकिन फिलहाल हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे बिस्मिल्लाह हर सूरत के शुरू में होती ही है, आगाज में होती ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे कि कुरान मजीद का हम कह सकते हैं कि आगाज हो रहा है. तो द फर्स्ट वर्ड जो कि कुरान मजीद का है, जिससे अल्लाह ताला ने चूज किया कि मैं कुरान मजीद को बिगिन करूं, इंसान को मैं पहली इंफॉर्मेशन जो दूं थ्रू कुरान मजीद, कुरान मजीद के जरिए से पहला इल्म जो हमें दिया गया है, वो ये नहीं है कि नमाज पढ़ो या तालीम हासिल करो या जकात दो या लोगों का ख्याल रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है. बल्कि पहली चीज जो अल्लाह ताला ने हमें बताई वो क्या है? वो ये दो लेटर्स हैं, सॉरी दो वर्ड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाही. ठीक है, इस क्लास में सिंस हमने अल्हम्दुलिल्लाही पे ही बात करनी है, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर हम इसकी बाइफर्केशन वगैरह देखेंगे. अभी फिलहाल इसको हम समझ लेंगे अच्छे तरीके से. अगली क्लास से मैंने जैसे बताया था, मंडे से सारा कुछ ग्रुप्स वगैरह बन जाएंगे सब कुछ, तो मंडे से फिर मैं वर्ड्स की सारी बाइफर्केशन आपको भेजना स्टार्ट कर दूंगी और आपसे इंशाल्लाह पूछ लेती हूँ पारस किसके पास है किसके पास नहीं है. तो अलहम्द अलहम्द वी नो डैट इसके अंदर एक शुरू में हम्द के साथ अलिफ लाम जुड़ा हुआ है. अलिफ लाम उस दिन जैसे हमने बात की थी कि दिस इज अ सेपरेट टू लेटर्स दैट आर जॉइंड विद इसम नाउन. नाउन के साथ दो सेपरेट लेटर ज्वाइन किए जाते हैं. क्यों ज्वाइन किए जाते हैं? जैसे मारिया ने उस दिन कहा था कि समटाइम्स दे मीन द, ठीक है, नॉट ऑल द टाइम बट समटाइम्स दे मीन द, बट हियर यहाँ पर दे डज नॉट मीन द, द यहाँ पे मतलब नहीं है. अलहम्द का क्या मतलब है? अल मीन्स ऑल, ऑल. हम्द का क्या मतलब है? हम्द का बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मीनिंग, दो मीनिंग जिसके अंदर शामिल होते हैं हम्द के अंदर. नंबर वन, अल्लाह का शुक्र, दैट इज ग्रेटिट्यूड. नंबर टू, अल्लाह की तारीफ, दैट इज अप्रिसिएशन. ग्रेटिट्यूड एंड प्रेज, तारीफ और शुक्र दोनों मीनिंग किसके अंदर आते हैं? हम्द के अंदर आते हैं. जबकि हमें पता है कि शुक्र का जो वर्ड है वो अलग से भी कुरान मजीद में आता है, ठीक है, लइन शकर तुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे. तो शुक्र अदा करना एक अलग से भी वर्ड है, लेकिन तारीफ के साथ किसी का शुक्र अदा करना वो होता है हम्द. जैसे सना है, हम नमाज में क्या करते हैं? अल्लाह अकबर के बाद सबसे पहले सना पढ़ते हैं, सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका सुभान अल्लाह ही. देखे जरा, जब भी मैंने हरा पढ़ सना पढ़नी होती है ना, अलग से कभी मेरे जुबान पे नहीं आती है, नमाज में फौरन आ जाती है. लेकिन खैर, पता है आप सबको सना कौन सी होती है. तो सना जो, सना का क्या मतलब होता है? प्रेज, तारीफ, ठीक है. शुक्र इज ग्रेटिट्यूड, पर हम्द इज मिक्सचर ऑफ बोथ, प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड. शुक्र और तारीफ मतलब किसी का इतना शुक्र करना, इतना शुक्र करना कि उसमें तारीफ का उनसे तारीफ अप्रिसिएशन जो है वो शामिल हो. और इसको हम तब समझ सकते हैं जबकि हम इसको अप्लाई करते हैं, किसी के भी ऊपर अप्लाई करते हैं, और इसको अप्लाई करना आसान नहीं है. हम तो जब हमने अप्लाई करना होता है ना, तो हम हर एक के ऊपर कर नहीं सकते. जैसे मैं आपके ऊपर, आपका शुक्र अदा करना है मैंने, तो आपकी हम्द करने लग जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है. हर एक के का जो शुक्र है ना, जैसे आपने मेरा कोई काम कर दिया है, ठीक है, मेरी हेल्प की है, तो मैं आपकी, आपका शुक्र अदा करूंगी, ठीक है, या मैं आपकी तारीफ करूंगी, उसका एक सर्टेन लेवल होगा, एक छोटे लेवल तक मैं करके आगे चली जाऊंगी, बस इतना कुछ सोचूंगी नहीं है, नहीं. लेकिन हम्द, असल में जो हम्द होती है ना,
जो कि शुक्र अदा करना है तारीफ के साथ, वो कब आती है इंसान के दिल में? ये बात कब आती है कि मैं किसी की तारीफ के साथ शुक्र करूं? जब सामने वाले का ना एहसान जो है हमारे ऊपर, ठीक है, द फेवर ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस इज लाइक मेनी फोल्ड। इतना बड़ा एहसान है सामने वाले का मेरे ऊपर कि मैं उसका जब शुक्र अदा कर रही हूँ ना, तो तारीफ भरी पड़ी है उसके अंदर। आप इसको ऐसे समझे जैसे कि अम्मी है, ठीक है, तो अम्मी बच्चे को खाना खाना बना के देती है। अम्मी फर्ज करें बच्चे के ना फेवरेट है चॉकलेट, तो बच्चे को बार बार अम्मी चॉकलेट देती है, बच्चा बड़ा खुश होता है, थैंक यू बोलता है, फिर से अम्मी चॉकलेट देती है, फिर से बड़ा खुश होता है। समझे ये डेली रूटीन पे सिलसिला चल रहा है ना, तो रोज ऐसे चॉकलेट मिल रही है, तो 4-5 दिन के बाद वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे हम तंग भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज करें वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अम्मी को क्या कहता है, अम्मी आप कितनी अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जब ये लेवल आ जाता है ना किसी के एहसान का, किसी की फेवर का, इतना बड़ा कि इंसान फूले नहीं समा रहा, ठीक है, अब समझ ही नहीं आ रही करूं क्या। तो इंसान क्या कहता है कि आप कितने अच्छे हैं, आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लेवल आता है अल्लाह के साथ, ठीक है, अल्लाह की प्रेज, अल्लाह के शुक्र के साथ, प्रेज नहीं शुक्र, शुक्र के साथ ना ये लेवल आना चाहिए, ये रियलाइजेशन जो है ये होनी चाहिए। ये रियलाइजेशन अल्लाह ताला हमें सबसे पहले दे रहे हैं कुरान मजीद में। सबसे पहले अल्लाह ताला स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं कि आप एहसास करें कि अल्लाह ने आपको कितना कुछ दे रखा है, और वो जो सारा कुछ दे रखा है उसका आप शुक्र अदा करें। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको पता है, अप्रिसिएशन ऑफ ग्रेटिट्यूड इटसेल्फ। ग्रेटिट्यूड के ऊपर, अकेले सिर्फ ग्रेटिट्यूड के ऊपर अब क्लासेस होती हैं, बकायदा सिर्फ ग्रेटिट्यूड समझाने के लिए कि इंसान में ग्रेटिट्यूड आ जाए, वो शुक्र अदा करने लग जाए लोगों का या अल्लाह ताला का, उसके इतने सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर बकायदा क्लासेस अरेंज की जाती हैं, सेशंस होते हैं लंबे लंबे, सोचे जरा। तो ये वो कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन है, एहसास है जो अल्लाह ताला आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं। मतलब कि किताब खोली है, अब सबसे पहले मेरे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि मैं अल्लाह की तारीफ इस हद तक करने लग जाऊं कि या अल्लाह मैं आज उठी हूँ तो बिल्कुल ठीक, फजर के लिए उठी हूँ तो आंखें भी काम कर रही हैं, हाथ बाजू भी काम कर रहे हैं, टांगे भी, चलना फिरना, पानी भी है वजू के लिए, घर में सोई थी इतने सुकून से, नमाज पढ़ रही हूँ, पेरेंट्स भी हैं, सारा कुछ ही है। टेस्ट तो देखे हर एक की लाइफ में होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्लाह ताला सबर करने का नहीं कह रहे, ठीक है, सबर अलग हो गया, टेस्टों पे तो सबर करेंगे, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जी रियलाइजेशन करें, एहसास करें। एहसास किस चीज का हम कह रहे हैं, फेवर्स ऑफ अल्लाह का, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह का, नेमतों का। तो ने अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास कर लिया, एहसास करने के बाद क्या किया हमने, उस अल्लाह का एहसान माना, एहसान जब मान लिया तो फिर हमने क्या की, अल्लाह ताला की हम्द बयान की, ये सबसे पहले अल्लाह ताला चाहते हैं। अच्छा, एहसास कैसे करते हैं, रियलाइजेशन कहाँ पर होती है, हमेशा दिल में होती है, दिल में एहसास होता है। और ये जो एहसास होता है ना शुक्र का, ये हर एक के दिल में पाया जाता है, ये सिर्फ इंसान के साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझे कि आप किसी बिल्ली को रोज दूध पिलाती है ना, रोज दूध देंगे, या आपका पेट है कोई, उसको आप रोज ख्याल कर रहे हैं, वो आपके साथ अटैच हो जाएगा, वो भी आपके पाँव चाटेगी, बिल्ली आपके पाँव चाटेगी कि आप उसको रोज दूध देती हैं। किस वजह से, क्यों? क्योंकि बिल्ली के दिल में क्या हुआ है, वैल्यू आ गई है, आपकी एहसास पैदा हो गया आपका, वो आपका प्यार कर रही है, आपका शुक्र अदा कर रही है। तो ये तो किसी की भी एहसानात का जो आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ठीक है, मेरा आपके ऊपर एहसान है या आपका मेरे ऊपर एहसान है, तो उसका फर्स्ट एंड ऑटोमेटिक या नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, नेचुरल रिस्पॉन्स यही होना चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें। और सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर किसका है, सबसे बड़ी फेवर हमारे ऊपर किसकी है, अल्लाह ताला की। तो फिर अल्लाह ताला की जो, अल्लाह का जो शुक्र हमने अदा करना है, वो तारीफ के साथ फिर कैसे ना करें, ठीक है, अल्लाह ताला से ज्यादा ब्लेसिंग। हम सांस भी अगर ना प्रॉपर, अभी सांस कैसे फ्री में हम ले रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए ना सांस में, तो कितने पैसे लग के हमें फिर सांस लेना पड़ता है, सोचे जरा, कितनी कितनी ब्लेसिंग है, सिर्फ आंख के झपकने के कितने बेनिफिट्स हैं, जिसको हम अगर इजी लेने लग जाए तो उसी पे कितना खर्चा हो जाता है,
उसी के कितने नुकसान है, उसी को हमें हाथ से, जिनकी आंख मूव नहीं करती ना, फिर ये जो पलके होती है वो उसको हाथों से बार बार एडजस्ट करते हैं, इस तरह कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में अगर हम सोचें, तो ये दिल में एहसास पैदा होता है और सारी मखलूक के दिल में एहसास पैदा होता है। ठीक है, जब दिल में एहसास पैदा होता है ना, उसके बाद क्या होता है, दिल से एहसास जाता है, जैसे हमारी जुबान पे आ रहा है ना एहसास, दिल से मेरे दिल में अल्लाह की कदर पैदा हुई है, दैट कम्स ऑन माई टंग। ठीक है, मेरे वर्ड्स में ट्रांसलेट हुआ है, तो दिल से फिर बात जाती है वर्ड्स में, और वर्ड्स के अलावा फिर कहाँ बात जानी चाहिए, दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू माय एक्शंस। ठीक है, मेरे आमाल में वो नजर आनी चाहिए जो मैं कर रही हूँ, उसमें क्या नजर आना चाहिए, वही जो एहसास मेरे दिल में पैदा हुआ है। और होता है नेचुरली, देखिए इसी तरह होता है, मुझे किसी से मोहब्बत है ना, मेरे बच्चे से मोहब्बत है, नेचुरली नजर आएगी, मैं बार बार अपने बेटे को चूम रही हूँ, अपने बेटे को लेकर आ रही हूँ, उसका ख्याल कर रही हूँ, उसको पानी दे रही हूँ, कवर कर रही हूँ, सो के रात को सोते मैं उठ के माएँ कितना कुछ करती हैं, बच्चे को कवर कर रही होती हैं, चाहे खुद की नींद डिस्टर्ब हो रही है, नींद जो पहले जैसे सोती थी रेगुलर रूटीन में इन वन गो, उस तरह अब नींद है ही नहीं, क्योंकि बार बार बच्चे को चेक करना, क्यों, क्योंकि मोहब्बत इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द पर्सन, उसकी वजह से जो ग्रेटिट्यूड एंड प्रेज अराइज हुई है विद इन द हार्ट, दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इंटू नंबर वन वर्ड्स, ठीक है, एंड देन इंटू एक्शंस, ये जरूरी है। मतलब कि दिल इन्वॉल्व है, ठीक है, अल्लाह की हम्द करने में भी फिर क्या क्या इन्वॉल्व है, नंबर वन द हार्ट ऑफ द पर्सन, दिल इन्वॉल्व है, नंबर टू जुबान इन्वॉल्व होनी चाहिए, वो अल्लाह ने यहाँ पर इन्वॉल्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम जुबान से इसको डिक्लेयर करो, ये डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन जो है ये अब करनी है, ये ऐलान करना है अब कि हाँ या अल्लाह वाकई, और अल्हम्दु तमाम तारीफ और शुक्र लिल्लाह ही, अल्लाह ही के लिए है। तो ये वर्ड की जो डिविजन है वो मैंने आपको बताया था, मंडे से हम स्टार्ट करते हैं, कि फिलहाल हम ये तीन चीजों के कॉन्सेप्ट सारे हैं जो कि इस क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो ये जुबान से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि करें, और फिर वो एक्शन में हमारे नजर आना चाहिए, एक्शन में कैसे हम नजर आएगी, जिस किसी का हम शुक्र अदा करना होता है ना, उसकी हम बात मानते हैं सारी, जैसे अम्मी का जब शुक्र अदा करना है ना, बहुत ज्यादा तारीफ करनी है, तो हम अम्मी के बड़े फरमाबरदार हो जाते हैं, जिसका हम एहसान मानते हैं ना, हम उसकी बातें मानने लगते हैं, हम उसके फरमाबरदार हो जाते हैं, और बड़े अच्छे बच्चे हम बन जाते हैं, जैसे अम्मी अब आप बताएं क्या करना, अम्मी मैं आपका सर दबा दूं, अम्मी ये अम्मी वो, और बाकियों के साथ भी अम्मी की एग्जाम्पल बड़ी अच्छी सूट करती है यहाँ पर, इसलिए मैं अम्मी की मिसाल से समझाती हूँ, और भी कोई हो, ठीक है, तो उसकी बात मानना अल्टीमेटली ये एक्शन, ये एहसास ही है जो कि एक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो जैसे वालदैन की अल्टीमेटली हम खिदमत करने लग जाते हैं, तो अल्लाह की क्या करेंगे, अल्लाह की अल्टीमेट अताआत करेंगे, अल्लाह की अल्टीमेट ओबीडियंस होगी, अल्टीमेट फरमाबरदारी होगी कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे रखा है, तो मैं सुबह उठ के फजर नहीं पढ़ सकती अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह ताला के कुरान को, अल्लाह ताला का एक एक वर्ड जो अल्लाह ने कहा है कुरान मजीद में, मैं उसको समझ नहीं सकती। ठीक है, अल्लाह ताला 600 पेजेस हैं, 602 या 3 या 4 मोस्टली इस तरह पेजेस होते हैं कुरान मजीद में, तो ये 600 सफ़े नहीं मैं पढ़ सकती सारे मिलाकर अल्लाह ताला के लिए, मैं इतना भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक्शन में फिर कन्वर्ट हो जाता है, और एक्शन में और भी बहुत कुछ आता है, हम झूठ छोड़ देते हैं, गीबत छोड़ देते हैं, और याद रखिएगा आप लोग हो सकता है ये सोच रहे हो साथ साथ के छोड़ते तो है नहीं, कितने लोग हैं वो फिर भी गीबत कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, मेरी बात याद रखिएगा, जो पढ़ लेता है ना एक दफा, उसमें ये चीजें मिनिमाइज हो जाती हैं, वो लोग जो के कभी कभी का सेशन लेते हैं ना, कभी कभी पढ़ते हैं, कवर टू कवर नहीं पढ़ते, मैंने देखा है जो लोग कवर टू कवर नहीं पढ़ते हैं ना, उनके अमल में चीजें नहीं आती, कभी कभी सुनने से ना अमल में नहीं आती। अगर आप चाहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट्स इनग्रेन हो जाएं इन योर पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए, और ये फर्स्ट वर्ड पढ़ रहे हैं ना हम कुरान मजीद का, एंड वाले वर्ड तक मेरे साथ जाइए, आखिरी वर्ड तक साथ चलिए, उसमें देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जब रिपीट होगा ना, बार बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, जब ये बार बार होगा ना, और वो भी किसी टीचर के साथ होगा, तो वो आपके दिल में ऐसा डालेगा कि फिर आपके अमल में नजर आएगा।
तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, मैंने हमेशा देखा है इन अ पर्सन जिसने सारा पढ़ा होता है और पढ़ के फिर वो आपको बता रहा है, या उसके एक्शंस, और इन कंपैरिजन टू द पर्सन जिसने सारा नहीं पढ़ा, या इन कंपैरिजन इवन टू द पर्सन जो कि रट्टे मार के आपको बता रहा होता है, ठीक है, रट्टे जिसने अब पूरी स्टडीज में क्या किया था, रट्टे मारे थे बस, उसको तो दिल से समझा नहीं था। तो ये दिल से समझने की सारी बात है, दिल से हमने समझना है। दूसरा मैंने क्या बताया था, खाली झोली लेकर आना है, ऐसे समझे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ पता ही नहीं है, खाली झोली के साथ हम कुरान मजीद पढ़ते हैं। सही, तो अलहम्द का हमें पता चल गया एहसास, रियलाइजेशन, वैल्यू, एंड देन टर्न्स इनटू एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, और वो भी तीन तरीके से, मेरे दिल में, मेरी जुबान पे और मेरे आमाल में। शुक्र बिल कल, शुक्र बिल लिसान, एंड शुक्र बिल जवारे, जीम वाव अलिफ रे है, जवारे होते हैं विद ऑर्गन्स, अपने ऑर्गन्स मतलब अपने एक्शंस के साथ फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड बिलोंग्स टू अल्लाह। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ना ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है, ना ही ये कुछ हमें कंफर्म किया जा रहा है, बल्कि ये है क्या, ये एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है जो कि हमें इन्फॉर्म की जाए जा रही है, बताई जा रही है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि कोई माने ना माने, तुम मानो ना मानो, सही है, तुम इस पे अमल करो ना करो, है क्या ये डेक्लेरेशन है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कुफार है ना, वो अल्लाह को नहीं मानते, काफिर लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की हम्द बयान नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई माने ना माने, सारी तारीफ और शुक्र किसका है, अल्लाह ही के लिए है। ये असल में बात है, ये असल में शुरू ने अल्लाह ने हमें बता दिया कि ये डिक्लेरेशन यूनिवर्सली एक फैक्ट है, एक ट्रुथ है जो कि सारी क्रिएशन जानती है, सारी क्रिएशन, सिर्फ इंसान नहीं। अभी तो हमने कुफार की बात की ना, जो कि नाफरमान भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी जो अल्लाह की क्रिएशन है, क्रिएशन हमें पता है अल्लाह ताला की, लिविंग एंड देन नॉन लिविंग है। जब हम अल आलमीन में जाएंगे ना, तब हम सारी बाइफरकेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ लिविंग एंड नॉन लिविंग का देख लेते हैं। जितनी भी नॉन लिविंग क्रिएशन है अल्लाह ताला की, वो भी याद रखिएगा, वो भी दो काम जरूर करती है, ठीक है। सारी क्रिएशन अल्लाह ताला की, दो काम जो हमें पता चलते हैं, बताए गए हैं, दो काम वो अल्लाह के लिए जरूर कर रही है। नंबर वन, सारी मखलूक अल्लाह को सजदा कर रही है, ठीक है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जो है वो मशरिक से, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, जब ईस्ट से निकलता है, मशरिक से ही निकलता है, मशरिक से, हाँ, और मगरिब में गरूब होता है, एग्जैक्टली। तो मशरिक से जब निकल रहा है तो पहले सजदा करता है, फिर मगरिब में जाता है तो सजदा करता है, सही। तो हमें पता चलता है कि तमाम मखलूक जो है वो नंबर वन अल्लाह के लिए सजदे में गिरी हुई है, सजदा करती है अल्लाह ताला, ये और बात है कि हमें समझ आए ना आए। नंबर टू, अल्लाह ताला बताते हैं कि सारी मखलूक क्या करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध। मा क्या होता है, मा का मतलब होता है एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, हर जिंदा और बेजान चीज, जानदार चीज, बेजान चीज, वो सब कुछ क्या करती है, सब्बहा लिल्लाहि। माँ में जानदार बेचान चीजें सब शामिल हो जाता है। अगर यहाँ पे होता मन फिस समावाति वल अर्थ, तो मन क्या होता है, मन होता है सारी सिर्फ जिंदा चीजें और लिविंग थिंग्स इन द यूनिवर्स, ठीक है, आसमान और जमीन में, लेकिन माँ की वजह से नॉन लिविंग भी शामिल है, तो वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह की तस्बीह क्या है, देखिए तस्बीह पे हमने आगे जाना है, सूरतुल बकरा में तस्बीह स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन तस्बीह का बस मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ, ये तस्बीह जो होती है ना अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला का स्टेटस, परफेक्शन ऐसे बयान करना जैसे कि अल्लाह का हक है, दैट इज तस्बीह। अल्लाह की परफेक्शन कैसे बयान की जाती है, सबसे पहले उसमें अल्लाह की तारीफ ही की जाएगी, अल्लाह की तारीफ के जरिए से अल्लाह का कामिल होना बयान करना, अल्लाह की परफेक्शन बयान करना कि या अल्लाह तेरे जैसा कोई है ही नहीं, ये असल में तस्बीह होती है। तो सारी क्रिएशन अगर अल्लाह की तस्बीह कर रही है, वो क्या कर रही है, तस्बीह इटसेल्फ अल्लाह की तारीफ है, ठीक है। मैं अब दोबारा मैं डिफरेंस आपको, जैसे हमने आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह का कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट पढ़ा था ना, असल में तस्बीह क्या होती है, सुबहान अल्लाह, ओके, सुबहान अल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह को क्या कहते हैं, तहमीद, ते है मीम ये दाल, तहमीद। अब तस्बीह और तहमीद में भी यही कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट वाला फर्क है, ये वैसे ही मैं थोड़ा बता दूं, आगे जाके जब सुबहान अल्लाह आना है ना, वहां डिटेल में हमने पढ़ना ही है।
सुभान अल्लाह क्या करता है? सुभान अल्लाह का मतलब क्या बना? अक्सर जगह लिखा होता है ना, क्या या अल्लाह तू पाक है, ये मतलब है सुभान अल्लाह का। पाक होने का क्या मतलब है? कि तुझमें कोई कमी है ही नहीं, ठीक है। मतलब हम कह कह रहे हैं तस्बीह करने से, या अल्लाह तुझमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, तू परफेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह सारी तारीफ और शुक्र तेरे लिए। मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? एक जगह पे हम वही बात ऐसे कह रहे हैं जैसे हम ला इलाहा में कहते हैं कि तेरे अलावा कोई माबूद है ही नहीं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। दूसरी जगह हम अल्लाह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई नहीं है मगर अल्लाह है। यही बात है सुभान अल्लाह के। क्या मतलब क्या है कि किसी तेरी तारीफ में कोई कमी है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह में क्या है सारी की सारी तेरी ही है, ठीक है। तो इस तरह दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो सारी क्रिएशन क्या कर रही है? अल्लाह की हम बयान कर रही है। ये जो डिक्लेरेशन है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी सबके लिए। अब देखिए, आऊज़ु बिल्लाह हमने पढ़ी, उसके बाद बिस्मिल्लाह हमने पढ़ी है, और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट किया, डेट वुड बी सेकेंड और द फर्स्ट आया, सही। अब हम देखते हैं कि इन तीनों चीजों में अल्लाह का वर्ड कॉमन है। अल्लाह क्या है? सबसे पहले देखिए, हमें अल्लाह ताला अपने बारे में बता रहे हैं, ये भी हमें यहाँ से पता चल रहा है। ये जो डेक्लेरेशन है ना, ऑल प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड बिलोंग्स टू अल्लाह, ये भी अल्लाह ने हमें अपने बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी, एक यूनिवर्सल फैक्ट बता दिया जो कि हमें पता चल गया। और अल्लाह ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले इसी चीज की रियलाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ से अगर फर्ज करें कोई नॉन मुस्लिम होता, उसे पता चल जाता कि बात किसकी हो रही है, किसी अल्लाह की बात हो रही है, किसी ऐसी हस्ती की जिसका इस्मे मुबारक, जिसका नाम क्या है, दैट इज अल्लाह। अल्लाह कौन है? अल्लाह इन तीनों में देखे कॉमन वर्ड है, वो इंफॉर्मेशन जो कि हमें शुरू में दे दी गई। अल्लाह अल्लाह ताला का वो नाम है जो कि ओवर 33,000 टाइम्स कुरान मजीद में रिपीट होता है, सबसे ज्यादा दफा। अल्लाह अल्लाह ताला का वो नाम है जिसके बारे में स्कॉलर्स ने लिखा है, उलमाए कराम ने, कि ये हर किताब में रिवील हुआ, चाहे वो जबूर थी, इंजील थी, बाइबल, तौरा एंड तौरात, इंजील, जबूर, ठीक है, जबूर और साइलेंस जिसको कहते हैं, और उसके बाद कुरान मजीद, चाहे वो सुहुफ मूसा है, चाहे वो सुहुफ इब्राहिम है, ठीक है। दो तरह के सहीफों का जिक्र आता है कुरान मजीद में। सहीफा बुकलेट को कहते हैं, छोटी बुकलेट को सहीफा कहते हैं। सुहुफ जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिए गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। चार बुक्स रिवील हुई जिनके नाम हमें पता है। सबसे पहले तौरा रिवील हुई है, तौरात, उसके बाद जबूर दी गई है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, तौरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, उसके बाद इंजील दैट इज बाइबल, और उसके बाद कुरान मजीद नाजिल हुआ है। इसके अलावा भी अगर कोई किताबें नाजिल हुई हो तो हमें उसके बारे में इल्म नहीं है, पता नहीं है। अलबत्ता ऐसा जरूर है कि कुछ वीक अहादीस में हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हजरत शीस, ही वॉज गिवन गिवन समथिंग, ठीक है, एंड हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, इन दो का नाम आता है कि देवर ऑल्सो मे बी गिवन समथिंग, लेकिन जो कंफर्म है वो मैंने आपको बता दिया। तो इन एवरी रिवील्ड बुक द नेम ऑफ अल्लाह इज प्रेजेंट। अल्लाह क्या है? अल्लाह ताला का पर्सनल नेम है, जैसे आपके पर्सनल नेम्स अभी मेरे पास सबके लिखे हुए हैं, जाती नाम, लेकिन हर एक का सिफाती नाम भी होता है। जैसे मेरे बेटे का नाम अगर हुजैफा है तो हो सकता है मैं उसको प्यार से कहती हूँ हुज्जी, मेरा हुज्जी, या मैं बार बार प्यार से कहती हूँ मेरी जान, मेरा लड्डू, ठीक है। प्यार से, जो प्यार से नाम होते हैं ना, दैट इज सिफाती नाम, स्वाद पे अलिफ ते छोटी है, सिफ्त वाले नाम। सिफ्त वाले नाम मतलब जो के किसी के ट्रेट्स को बयान कर रहे हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ मेरा लड्डू या मेरा गुड्डा, समझ लें गुड्डा का क्या मतलब, यानी मुझे बड़ा प्यार आ रहा है इसके ऊपर, बड़ा प्यारा है। मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, मोस्टली निकनेम्स जैसे मीनिंगलेस रख लेते हैं, इससे भी ज्यादा मीनिंगफुल नाम भी हो सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? 2000 सिफाती नाम। तो अल्लाह ताला के फिर क्या सिफाती नाम नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। अल्लाह ताला की तारीफ, तो तारीफ सारी है ही अल्लाह की, तो अल्लाह की तारीफ में जिससे हम खुश होते हैं, जिससे मोहब्बत होती है, जिसकी तारीफ करनी है, उसके कितने नाम रखते हैं हम, मेरी जान, मेरा ये, मेरा वो, तो अल्लाह की क्या तारीफ नहीं होगी फिर? तो अल्लाह के सारे तारीफ वाले नाम है सिफाती नाम, ये अल्लाह का क्या है? जाती नाम, अल्लाह का पर्सनल नेम, अल्लाह जो कि अल्लाह ने हमें बता दिया। और ये फिर अल्लाह का वो नाम है दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्लाह, उसमें सारी अल्लाह की तारीफें, अल्लाह ताला की सिफात जो है वो शामिल हो जाती है। जैसे मैं, मेरा बेटा है हुजैफा,
अब उसकी पूरी पर्सनालिटी से एक नाम में पता चल जाएगी। अगर मैं उसे लड्डू कहती हूँ तो वो उसका एक एस्पेक्ट पता चल रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला को अगर हम कहते हैं अर्रहमान, वो अल्लाह के रहम वाली सिफ्त पता चल रही है, अल्लाह की सजा देने वाली सिफ्त है, बाकी नहीं पता चल रही। लेकिन अल्लाह जो है उसमें अल्लाह के सारे नामों के जरिए सारी सिफात पता चल रही है। अच्छा, शुरू में मैंने बताया था ना कि जब हमें किसी से मोहब्बत होती है या कोई बहुत अहम होता है उसके हम बहुत ज्यादा नाम रखते हैं, जैसे क्यामत बहुत अहम है, उसके इतने सारे नाम है, सूरतुल फातिहा से बड़ी मोहब्बत थी, उसका अहमियत भी, उसके इतने ज्यादा नाम है। इसी तरह अल्लाह है, अल्लाह के इतने ज्यादा सिफाती नाम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह से हमें बड़ी मोहब्बत है और अल्लाह की अहमियत भी सबसे ज्यादा है और होनी चाहिए हमारे दिल में। अल्हम्दुलिल्लाह कह के स्पेसिफिकली एहसास पैदा हो जाना चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो अल्लाह के रसूल के भी बहुत ज्यादा नाम है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिफाती नाम है जिनसे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान होती है। तो ये नामों की बेसिकली बाइफरकेशंस होती हैं। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, अल्लाह का मतलब क्या है, गेस करने की कोशिश की है स्कॉलर्स ने, और वो गेस क्या है, वो है द डीएटी वर्दी ऑफ वर्शिप, ऐसी हस्ती जो के इबादत के लायक है। और अल्लाह का अगर वर्ड देखे ना, दिस इज मिरेकल ऑफ द वर्ड अल्लाह, सही मिरेकल है, एजाज है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, एजाज, मोजजा। ये जो एजाज का टॉपिक है ना, ये भी हम किस में पढ़ते हैं, साइंसेज ऑफ द कुरान जो बुक होती है ना हमारी, उलूमुल कुरान, उसके अंदर ये पूरा चैप्टर होता है, ये टॉपिक कवर करते हैं। तो अल्लाह ऐसा वर्ड है कि इसके एक एक लेटर भी निकालते जाए ना, मतलब चेंज नहीं होता, सही है, मीनिंग सेम ही रहता है। अल्लाह का अलिफ निकाल दें, क्या बना, लाम लाम ही रह गया ना, लिल्लाह बन गया, ठीक है, अलिफ रिमूव कर दें, लिल्लाह बन गया। लिल्लाह का क्या मतलब है, अल्लाह के लिए, बीच में अल्लाह फिर भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट लाम निकाल दें, अलिफ और लाम दोनों निकाल दें, क्या रह गया, थर्ड जगह पे देखिए आखिर वाला लाम और हे रह गया, क्या बना, लहू, लहू बन गया। लहू क्या होता है, लहू अरबी में कहते हैं उसी के लिए, ठीक है, उसके लिए, उसके लिए किसके लिए, अल्लाह के लिए, ठीक है। यानी इसमें से हम अल्लाह को नहीं निकाल सकते, हम कुछ भी कर लें, एक एक लेटर में अल्लाह छुपा हुआ है। लहू उसके लिए मतलब अल्लाह के लिए। अब लहू में से भी लाम निकाल दें, अकेला हु रह गया, हु मतलब उसके लिए, फिर से उसके लिए नहीं, सॉरी, हु का मतलब वो, अकेला वो रह गया ना, वो या उस अकेला बोल नहीं सकते थे, इस वजह से साथ मैंने के लिए लगा दिया, वो कर देते उसको ही। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है दैट रिप्रेजेंट्स द नाउन, नाउन इटसेल्फ जमीर बन गया ना हु, तो जमीर जो है वो दोबारा अल्लाह की तरफ इशारा कर रही है, प्रोनाउन दोबारा बता रहा है कि नाउन कौन सा है, तो हु से भी मतलब क्या, वो मतलब अल्लाह। प्रोनाउन हमेशा नाउन की तरफ इशारा करता है, ये याद रखना आपने, दिस इज द रूल, ये रूल है ग्रामर का, प्रोनाउन यूज हो रहा है इसका मतलब है कोई ना कोई नाउन मतलब है। तो इसमें से कुछ भी निकाल दें, बात वापस किस पे जा रही है, अल्लाह ही पर जा रही है, ये अल्लाह ताला के नाम का एजाज है, ये हम किसी और नाम के साथ नहीं कर सकते, किसी इंसान के भी नाम के साथ हम नहीं कर सकते। तो ये स्लाइड इंशाल्लाह देख कर फिर हम मुकम्मल करते हैं, आज 5 मिनट में इंशाल्लाह ये हम पढ़ लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है बेसिकली, पहला लफ्ज कुरान मजीद का जो के इस तरतीब में, इस अरेंजमेंट ऑफ द कुरान में रखा गया है। क्यों रखा गया है, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, जो अरेंजमेंट है ना कुरान मजीद की, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं है, दैट इज विद द तौफीक ऑफ अल्लाह। इसलिए इस तरतीब को क्या कहते हैं, तरतीबे तौफीकी, तौफीकी नहीं, तौकीफी, तरतीबे तौकीफी, सॉरी, खाफ से। तौकीफी का क्या मतलब होता है, वक्फ से है तौकी, वक्फ, वक्फ मतलब कुछ फिक्स कर देना, कुछ वक्फ कर देना, मतलब ये तरतीब अल्लाह ने वक्फ की है, अल्लाह ने फिक्स की है, तरतीबे तौकीफी। जबकि हमें पता है तरतीबे नजूली जो है, द अरेंजमेंट ऑफ द कुरान बाय रेवलेशन नजूली, वो डिफरेंट थी, वो क्या थी, सबसे पहले सूरह इकरा नाजिल हुई थी, सूरह अलक जिसको हम कहते हैं, सूरतुल अलक की पहली 5 आयतें सिर्फ सबसे पहले दी गई थी, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। वो जब हम सूरतुल अलक पे जाएंगे ना, तब मैं इसकी अहमियत आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों, बल्कि बीच में भी इल्म का जिक्र आएगा ना, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, वहां से इल्म की बात शुरू हो जाएगी, वहां से मैं आपको बताऊंगी इल्म की अहमियत। लेकिन अरेंजमेंट जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की रखवाई है, तो अल्लाह ने कहा है कि स्टार्ट अब सूरतुल अलक से नहीं होगा, जो फर्स्ट रेवलेशन थी उससे स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, इससे होगा, ठीक है, इसको कहते हैं तरतीबे तौकीफी, अल्लाह ने खुद फिक्स कर दी।
ये दो काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स जो होती हैं कुरान की, ये भी याद रखना, ये भी उलूमुल कुरान में हम पढ़ते हैं, तरतीबे तौकीफी एंड तरतीबे नजूली। तो ये पहला वर्ड है जो अल्लाह ने हमें दिया है, पहली इंफॉर्मेशन, पहली नॉलेज। बच्चा पैदा होता है, इंसान को जो पता होना चाहिए, कुरान खोलते ही जो पता होना चाहिए, अच्छा ये मैं बुक किसी उस हस्ती की है ये बुक, ऑथर ऑफ द बुक कौन है, वो है जो के ऑल प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड बिलोंग्स टू हिम, सारा शुक्र और तारीफ ही उसकी है। यानी हम कुरान पढ़ने कैसे लगे, इन ऑ ऑफ अल्लाह, अल्लाह की ऑ में हम पढ़ेंगे कुरान मजीद, सही, अल्लाह ताला की का शुक्र तारीफ मेरे ऊपर छाया हुआ होना चाहिए जब मैं कुरान मजीद पढ़ना शुरू करने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्ड है जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अगर कोई लफ्ज मुंह से निकाला वो क्या था, अल्हम्दुलिल्लाह था। अल्लाह ताला ने जब रूह डाली है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर, पाँव से डालनी शुरू की है, मुंह तक डाली है, जैसे ही नाक में गई है, नाक तक गई है रूह, जैसे भी अल्लाह ताला का सिस्टम है, तो नाक में फारिश से हुई है, छींक आई है उन्हें, ठीक है, तो छींक आई है, तो उन्होंने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें कैसे पता चला, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फअल्हमाहा, तो इल्हाम कर दिया हमने, हर इंसान को अल्लाह ने इल्हाम किया हुआ है, मतलब फितरत में कुछ नॉलेज इनग्रेन्ड है, फिक्स्ड है कि मेरी फितरत में, नेचर में ये इल्म रख दिया गया है। तो ये इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फितरत में, नेचर में अल्लाह ने रख दिया ऑलरेडी, तो इस वजह से अल्लाह ने उन्हें सिखा दिया, ठीक है, ऐसे ही नहीं उन्होंने बोला, अल्लाह ने उन्हें सिखा दिया। तो पहला वर्ड जो उनके मुंह से निकला है सो ठीक है, डेट इज अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और फिर फरिश्तों ने जरा हमको अल्लाह बोला था कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, तो ये पहला वर्ड है जो हमारे वालिद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बोला था, दिस इज द फर्स्ट नॉलेज गिवन टू अस, पहला इल्म है, फर्स्ट एक्शन रिक्वायर्ड बाय अस, ठीक है, कुरान पढ़ते ही पहला एक्शन जो हमारे अंदर अब आना चाहिए वो यही है, अल्लाह ताला की तारीफ की वजह से वो मेरे एक्शन में अब नजर आ जानी चाहिए, कैसे कि हमने बात कर ली, फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द फेवर्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के एहसानात को मान के ना पहला रिस्पॉन्स जो है वो हमारा यही होना चाहिए। फिर क्यामत के दिन हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी के हाथ में झंडा होगा ना उसकी उम्मत को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हमारे नबी के हाथ में कौन सा झंडा होगा, वो फ्लैग ऑफ हम्द होगा, हम्द का झंडा होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा, मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यानी कोई तस्वीर का झंडा नहीं होगा, नमाज का झंडा, वजू का झंडा नहीं होगा, हम्द का झंडा होगा, अल्लाह की हम्द का झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा, जिसके पीछे फिर सारी उम्मत होगी और वो चलेगी। फिर मकामे महमूद, महमूद भी हम्द से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यामत के दिन एक मुकाम दिया जाएगा, एक जगह, एक स्टेशन ऑफ प्रेज कहते हैं, ठीक है, बस ये वाली लिस्ट पढ़ के हम खत्म कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो मकामे महमूद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यामत वाले दिन दिया जाएगा, किस लिए, किस लिए दिया जाएगा, ताकि जब आपको स्टेशन ऑफ द प्रेज पे रेज किया जाएगा, मकामे महमूद पर आपको उठा लिया जाएगा, तो लोगों को क्या पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इंसानों में ना सबसे ज्यादा वर्दी ऑफ प्रेज कौन है, इवन जिसका एहसान हम माने वो कौन है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक तो ये रियलिटी पता चल जाएगी क्यामत के दिन, दूसरा क्या पता चलेगा, मकामे महमूद पर आने के बाद आप सल्लम करेंगे क्या, आप सल्लम नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्रॉफिट सल्लम प्रेज ऑफ अल्लाह, आप सल्लम अल्लाह की हम्द ऐसे बयान करेंगे जैसे दुनिया में कभी नहीं की, अल्लाह ताला उसी वक्त सिखा देंगे जैसे अल्लाह ने उसी वक्त हजरत आदम को सिखा दिया, अल्लाह ताला उसी वक्त आप सल्लम की फितरत में, दिल में वो तारीफ अल्लाह की सिखाएंगे जो कभी किसी ने नहीं की, कभी किसी ने नहीं सुनी, वो हम्द वहां पर मकामे महमूद पर अल्लाह ताला की बयान की जाएगी। तो ये कोई छोटे वर्ड्स नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द पीपल ऑफ जन्ना, जन्नत में जब लोग दाखिल होंगे ना क्या कह रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, सूरतुल आराफ से हमें पता चलता है ना, तमाम तारीफ और शुक्र उसके लिए जिसने के मुझे इस तक हिदायत दे दी, इस जन्नत तक जिसने मुझे हिदायत दे दी, शुक्र है उसका, जन्नत में पहुंच गई हूँ मैं, ये पहले वर्ड्स होंगे जो कि जन्नतियों के होंगे, उससे पहले जब गुजर रहे होंगे ना पुले सिरात से, ब्रिज ऑफ सिरात जो है, पुले सिरात से गुजर रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे, तो दुआ मांग रहे होंगे ना, आखिरी वर्ड जन्नत में जाने से पहले क्या है इंसान के, इस्तग़फार, अस्तग़फिरुल्लाह कहने के, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, मुझे माफ कर दे, एंड तक मकाम है उस पे पुले सिरात पे, अब हालांकि माफी शाफी होनी कोई नहीं, माफियां तो हो चुकी ना जो होनी थी दुनिया में होनी थी, लेकिन इंसान डरा इतना हुआ होगा बार बार, अल्लाह को उसने याद तो करना है ना, तो अल्लाह से माफी मांग रहा होगा, उस वक्त तो सबको अल्लाह का पता चल जाएगा,
और पुलिस सिराज से आपको पता होना चाहिए सिर्फ मुसलमान गुजरेंगे, मुसलमानों के अलावा मुनाफिकीन जो वो भी नाम के तो मुसलमान ही थे ना, तो बेसिकली मुसलमान गुजरेंगे, मुनाफिक नीचे गिरते जाएंगे, मुसलमान जहन्नुमी भी नीचे गिरते जाएंगे और अच्छे वाले मुसलमान क्रॉस कर जाएंगे, होंगे सारे मुसलमान ही, काफिर पहले ही गुजर गए। कभी क्यामत का जो मंजर है ना वो पढ़ेंगे ना तो उसमें इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे, जब कुरान मजीद में ही आएगा। तो वो पढ़ते क्या जा रहे हैं, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, शुरू वाले पार्ट की बाद में इंशाल्लाह ट्रांसलेशन करेंगे जब हम ये सूरह तहरीम में है ना, सूरह तहरीम में जब जाएंगे तो माफ कर दे या अल्लाह माफ कर दे। अल्टीमेटली जन्नत में एंटर होंगे तो क्या होगा, एक तो फरिश्ते कहेंगे ना, फरिश्ते क्या कहेंगे, सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम सबने इतना सबर किया। देखिए जन्नत वालों की खूबी है शुक्र करना, हम्द करना, हम दो शुक्र इकट्ठा, सॉरी शुक्र और सबर, सॉरी सर, शुक्र और सबर इकट्ठा चलता है, इंसान शाकिर और साबिर इकट्ठा होता है। मैं शुक्र कर रही हूँ तो मैं सबर भी कर रही हूँ, ये आप समझे रूल है जिंदगी का, हम सारों के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये सबर करने वाले लोग सारे कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, जो ये समझता है ना मेरी जिंदगी में ये अल्लाह की मुश्किल हो ही ना, मुझे सबर ही ना करना पड़े ऐसे ही मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबर कैसे कैसे किस किस टाइप के आते हैं ये सारे डिस्कशन इंशाल्लाह सूरतुल बकरा में जब हम जाएंगे ना, हर वर्ड को हम ऐसे ही खोलेंगे, ठीक है, हर वर्ड को हम ऐसे ही खोल कर पढ़ेंगे जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ रहे हैं। स्पेशली ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, शुक्र का कॉन्सेप्ट हो गया, सबर का कॉन्सेप्ट हो गया, तस्बीह का कॉन्सेप्ट हो गया, ओपन करके पढ़ेंगे। तो फरिश्ते क्या कह रहे होंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, इंसान क्या कह रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, फिर दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ विजडम, नॉलेज जो है ना वो विजडम में कन्वर्ट होता है, पहली दानाई की बात जो हमें बताई गई है या जो साइन इंसान में नजर आता है वो तारीफ करने वाले शुक्र करने वाले लोग होते हैं। शुक्र करने वाले लोग अल्लाह की शुक्र करने वाले लोग जो है ना मुसलसल हर हाल में जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, हमें पता